The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में मुकुट महल के पीछे मंगतपुरम पुरानी बस्ती में कोविड-19 के दौरान सनातन धर्म के 400 लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया गया था। ईसाई धर्म के लोगों ने इन 400 लोगों की गरीबी का फायदा उठाया और उन्हें खाने पीने की कुछ चीजें और पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। इस दबाव से परेशान इन लोगों को कल मेरठ महानगर बीजेपी के मंत्री दीपक शर्मा SSP ऑफिस लेकर पहुंचे, जहां SSP ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। और आज इसी बीच खबर लगी है कि धर्मांतरण के आरोप में 3 महिलाएं प्रेमा, तितली और रानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों महिलाओं पर 100 से ज्यादा गरीब लोगों को मदद का लालच देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का आरोप है। तस्वीरों में तीनों महिलाएं प्रेमा, तितली और रानी को आप देख सकते हैं। इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखिए धर्मांतरण करने वाले लोगों से मिली जानकारी। पहले लॉकडाउन लगा था, जो पहल उस लॉकडाउन में कहीं आना जाना बंद था। हमने कहा चलो दुआ प्रार्थना होती है, वहाँ चल के बैठे हैं। 2.5 महीना हुआ मैं वहाँ जाने लगा था, तो इतनी मेरी घरवाली प्रेग्नेंट थी। मेरी माँ कहने लगी कि बच्चे तू कहाँ जा रहे हैं, इनमें मत जा, हमारे धर्म उस माँ भगवान में चल, कहाँ अपना रिवाज बदल रहा। मैं ठीक है माँ, मैं आ रहा हूँ, मैं दोबारा अपने हिंदू विभाग में आ गया। वहाँ लोग ऐसे ऐसे आते थे, दिल्ली से भी आया करते थे, बाहर से भी कुछ लोग आया करते थे। कपड़े जैन मैन पहन के आते थे, गाड़ी में आते थे बाहर से आदमी, पैसे हाँ पैसे देते थे, पर पैसे मोहल्ले में बांटते नहीं थे, पैसे लेते थे उल्टा। कि राशन दिया 100-150 रुपए लिए, जब राशन दिया खाने को मिल रहा था, फिर सारे जा रहे थे खाने के लिए। ईसाई धर्म था वो, ईसाई था। मैं उसमें करीबन 2-2.5 महीने रहा। बतेरे हैं उसमें करीबन 300-400 आदमी है, हाँ अभी 50-60 लगभग लग रहे हैं उसमें। हवन में जाते थे वहाँ, सुनैना। नहीं, एक दूसरे को देखते देखते जब हमने जाने लगे तो वहाँ पर ऐसा होता दुआ कि एक दूसरे गलत काम मत करो, कोई चोरी चमारी मत करो, एक दूसरे की कोई लेनबाजी में, इसलिए हम जाने लगे थे कि गलत काम मत करें, नए जीवन बदलो पाने, इसलिए वहाँ पर आराधना होती थी। जो राशन भी मिलता था तो 100 रुपये लेते जब राशन मिलता था, हमें ये काम था हमारा। हाँ पैसे दिया जाता था, 100 रुपये एक घर से दिया जाता था। नहीं हम देते थे। हिंदू जात में? नहीं जी, हम गए नहीं वहाँ भवन में। लड़की हमारी जाने लगी थी, हमने लड़की को मना करा, मैंने कहा बेटा जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं अपने में, ऐसे ही तुम भी आओ। इसने एक महीने गए, फिर इसके बाद हमने इसे रोक लिया। इसे यहाँ क्या भवन बना, यहाँ चर्च बना, दुआ प्रार्थना होती थी और सारे बच्चे जाते तो ये भी चली जाती थी। हमने इसे रोका, हमने कहा जाना मत, हमने इसे रोक लिया, हमने कहा अपने जाति धर्म में चलेंगे हम, इस उसमें परमेश्वर में नहीं जाएंगे। देखिए सचिन सिरोही ने इस बारे में क्या कहा। सचिन जी कौन सी बस्ती में है आप, कितने लोगों का यहाँ पर धर्मांतरण का आरोप है? सचिन सिरोही हिंदू समाज सेवी मेरठ से, ये दिल्ली रोड पे मंगतपुरम पड़ता है। यहाँ लगभग 400 परिवार जो है रह रहे हैं यहाँ पे, और उन 400 परिवारों में ये जितने भी लोग हैं, यहाँ 70-80% लोग जो है कुछ मानसिकता उनकी कन्वर्जन वाली हो चुकी है, उसमें से कुछ लोगों ने कन्वर्जन कर भी चुके हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो दिल्ली के महेश पास्टर हैं, जो दिल्ली में उनकी धर्मपत्नी भी जो है फॉरेनर हैं और किसी संस्था से भी शायद जुड़ी हुई हैं, तो उन लोगों का खेल है दिल्ली का, इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। और इसके अंदर मेरठ में जो अनिल हैं, अनिल सन ऑफ सूद, वो जो हैं उन लोग उनका आप ये लगा लीजिए, उन्होंने रेलवे रोड के रहने वाले हैं, रेलवे रोड पे वही आते थे, वो यहाँ का मेरठ का वो देखते थे, दिल्ली से महेश देखते थे। तो लॉकडाउन के टाइम पे इन लोगों ने यहाँ पे राशन बांटा, इन लोगों को जो है सारी मुहैया जो है राशन और कपड़े लत्ते सब मुहैया कराए, और इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों को गुमराह किया। इन्हें ईसाई की जहाँ चर्च में बना हुआ है छोटा सा, उस चर्च के अंदर 200 गज की जगह में खूब यहाँ प्रेयर वगैरह हुई है, सब कुछ हुआ है, इन लोगों को भटकाया जा रहा है हिंदू समाज के सनातन धर्म को। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तारी एक तो जो पास्टर है महेश दिल्ली में उनकी हो, एक इसमें अनिल जी की गिरफ्तारी हो, जो अनिल है यहाँ पे जिन्होंने यहाँ भटकाया इन लोगों को, और इसके अंदर जो बेगुना जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, जो भी लोग हैं इन हिंदुओं में जो कन्वर्ट हो गए उन पे, वो तो बेगुना है, क्योंकि उन लोग
उन लोगों को भटका, उनको लोगों तो भटकाया इन दोनों ने, है ना, तो उनका तो कोई कसूर नहीं है। तो ना यहाँ पे ये हटाने का, जितने साल से ये रह रहे हैं, अगर मान लो 40 साल से ये लोग रह रहे हैं, तो इन्हें परेशान ना करें मेरठ का पुलिस प्रशासन, इन्हें भगाने का प्रयास ना करें, इन लोगों को रहने दें। अगर वो लोग ये लोग यहाँ से भक्के कहीं और गए तो ये पक्के ईसाई बन जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों लगभग 400-450 लोग यहाँ रहते हैं, और जहाँ तक मैंने यहाँ महसूस करा, रजिस्टर बरामद करा कल, उस रजिस्टर में बच्चों की जो तख्ती हैं और वो सब चीज़ों को लेकर यहाँ दिखाया जा रहा है, पढ़ाई का तो खेल दिखाया जा रहा है, और उसकी आड़ में यहाँ धर्मांतरण करा जा रहा है। यहाँ लगभग 100-150-200 से भी ऊपर की संख्या है जिन्होंने कन्वर्जन कराया, लेकिन वो कन्वर्जन करने के बाद भी हिंदू वेशभूषा में रह रहे हैं। यहाँ दोगली राजनीति चल रही है, और मैं कह रहा हूँ हाँ, दिवाली मनाने के लिए मना करा गया है ना, इन लोगों को दिवाली मनाने के लिए मना करा, लेकिन समस्या क्या है, यहाँ के लोग डरे हुए हैं कि कहीं इनका घर ना छिन जाए, कहीं यहाँ से प्रशासन और लोग यहाँ से बेघर ना कर दें, इस डर की वजह से खोल नहीं पा रहे हैं सारी बातें, ये उस चीज़ उस डर पे पर्दा डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री इस घटना का संज्ञान लें, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी घटना है, 400 लोग 300 लोग अगर ऐसे यहाँ मेरठ में मिले तो देश भर में कितना ये जो है ईसाई धर्म का जो है विदेशों से ये पूरा खोखला कर देंगे समाज को, इस धर्म को। देखिए एसपी सिटी पीयूष सिंह का इस बारे में क्या कहना है। सर, धर्मांतरण वाले मामले में क्या कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं? हाँ, ये 9 अभियुक्त नामजद किए गए थे, इन 9 में 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। क्या मामला है और किस तरीके से आगे पुलिस इस कार्रवाई करेगी? इसमें अभी हमारे 6 अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए शेष हैं, जिनके लिए टीमें लगाई गई हैं, गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ भी की जा रही है, और वादी पक्ष और अन्य गवाहों के बयान अंकित किए जा रहे हैं। सर, जांच के अंदर क्या पाया गया कि प्यार मोहब्बत से धर्मांतरण करा रहे थे या कुछ जोर जबरदस्ती थी कुछ ऐसा? देखिए, तहरीर में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोविड टाइम के कंस्ट्रेंट्स के दौरान कुछ लोग वहाँ पर आए थे, जिन्होंने उनको खाने कपड़े या अन्य प्रलोभन दिए थे, इसी दौरान उनको क्रिश्चियनिटी के लिए प्रेरित भी किया गया था, इस तरह के तथ्य तहरीर में ही आए हैं, और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के तथ्यों पर कोई कमेंट अभी हम नहीं कर सकते। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।